हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाल गोश बनाने की रेसिपी। बिरयानी, पुलाव, ग्रेवी वगैरह तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन जब दाल गोश बनाते हैं ना तो उसकी बात ही अलग रहती है। आज मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है जिसमें मैंने आधा कप भर के तेल ऐड किया है। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें गरम मसाले ऐड किए हैं, जिसमें है दो तेज़पत्ता, दो तीन दालचीनी के टुकड़े, एक चम्मच ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 बादियान, 2 से 4 लौंग। गरम मसाले को 2-3 मिनट हमें सौटे करना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 3 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, लाइट गोल्डन ही करना है। जब हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन हो जाए तो मैंने इसमें 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। इसे 7 मिनट तक अच्छे से सौटे करना है, जो इसकी कच्चेपन की जो स्मेल है वो अच्छी तरह निकल जानी चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है गोश्त। गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 किलो। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, विदाउट बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे हड्डी वाला गोश्त यूज़ किया है। अब मैंने गोश्त को अच्छे से साफ करके धो लिया था। अब इसमें डायरेक्ट हमें गोश्त को अच्छे से भूनना है जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पर हमें इसमें ऐड करना है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, और साथ ही में मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक काट के इसमें ऐड किया है। और फिर से हमें इसे अच्छा सा भून लेना है जब तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। साथ ही में मैंने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया है इसमें। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इतना पानी कि आप इसमें अच्छे से गोश्त हमारा गल जाए। बस सीटी लगाकर आपको गोश्त गलाना है। मैंने यहाँ पे 4 से 5 सीटी लगाई थी, इसमें मेरा गोश्त अच्छे से गल गया था। गोश्त यहाँ गल रहा है इतने हम दाल की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप चने की दाल ली है, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। भिगोने से क्या होता है ना, दाल बहुत जल्दी गल जाती है और हमारा कुकिंग टाइम बच जाता है, इसलिए इसे भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक कुकर लेना है जिसमें दाल डाल देना है। साथ ही में आपने 1 कप अगर दाल ली है तो 3 गुना पानी हमें इसमें ऐड करना है। साथ ही में मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाला है। तेल डालने से जो प्रेशर कुकर में दाल रहती है वो उबल के बाहर नहीं आती है, इसलिए आप ज़रूर से इसमें तेल ऐड कर देना। और प्रेशर कुकर लगाकर हमें दाल, चने की दाल को अच्छा गला देना है। आप इसे 1 प्रेशर आने पर हाई फ्लेम पे रखना है और स्लो आंच पे हमें कम से कम इसे 20 मिनट तक अच्छे से गला देना है। अब तक हमारी यहाँ पे दाल गल रही है, हम गोश्त की तरफ देख लेते हैं। गोश्त भी मेरा लगभग अच्छी तरह गल चुका है। आप देख सकते हैं कितना आसानी से गोश्त टूट रहा है। इसे मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था मसाले को। मसाला भी लगभग भून चुका है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच दाल गोश्त मसाला ऐड किया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, और अच्छे से मिक्स करके मैंने इसे और 10 मिनट तक भुना है। यहाँ पर हमारी दाल भी चने की लगभग गल चुकी है। इसी पॉइंट पर यहाँ पर दाल अभी ऑलमोस्ट गल गई है, लेकिन यहाँ इसी के साथ हमें 1 कप मसूर की दाल इसमें ही ऐड करना है। मसूर की दाल को हमें भिगोने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होती है, 1 या 2 सीटी में अच्छे से गल जाती है। अब हमें मसूर की दाल भी इसमें ऐड करनी है। साथ ही में मैंने 1 मीडियम साइज़ का दूधिये को अच्छे से कटिंग करके धो लिया था, वो भी हमें इसमें ऐड करना है क्योंकि 2 प्रेशर में हमारा मसूर की दाल और लौकी दोनों ही गल जाते हैं, इसलिए आप इसे दोनों साथ में ही डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो अलग प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, कुकर में मैं यहाँ चावल बना रही हूँ। आप अगर पतीली वगैरह में बनाते हैं तो आप वो ले लीजिए। यहाँ पर कुकर में मैंने 2 चम्मच भर के तेल डाला है। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें गरम मसाले ऐड किए हैं। गरम मसाले को 2-3 मिनट सौटे करने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है कुछ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता के बाद मैंने इसमें डाला है 1 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 हरी मिर्च। इन सबको हमें अच्छे से भून लेना है और प्याज को थोड़ा लाइट गोल्डन कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया है। मैं यहाँ पर घर के
जो कोलम राइस है वही यूज़ कर रही हूँ और उसी हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ और नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा के 2 सीटी लगा दी। अगर आप इसे पतीली में बनाना चाहते हैं तो सेम आप अपनी पतीली में भी बना सकते हैं। आप जो चाहे यहाँ पर राइस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ज़ीरा राइस के साथ दाल गोश्त खाएँगे तो उसका दाल गोश्त का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। आप देख सकते हैं लौकी और दाल कितने अच्छे से गल चुकी है यहाँ पर। बस आपको ये दाल और लौकी दोनों मसाले में ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर हमें इसे कम से कम 25 मिनट तक स्लो आंच पे अच्छे से पकाना है। अगर आपको इसमें पानी की रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप गर्म पानी इसमें ऐड कर दीजिए। ठंडा पानी आपको इसमें यूज़ नहीं करना है, आप गर्म पानी इसमें ऐड कर दीजिए और कम से कम स्लो आंच पे 25 मिनट तक इसे हमें अच्छे से पकाना है। ऊपर से मैंने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है। दाल गोश्त हमारा अच्छे से पक रहा है, आइए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तेल लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा थोड़ी सी मैंने हींग डाली है, 8 से 10 कड़ी पत्ता डाला है और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च डाली है। और फौरन गैस का फ्लेम बंद करके ये तड़का हमें दाल गोश्त में डाल देना है। इस तड़के से जो दाल गोश्त की शान बढ़ जाती है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे मैंने और 10 मिनट तक कुक किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दाल गोश्त अच्छे से तैयार हो गया है, लेकिन आपको यहाँ देखने में थोड़ा पतला लगेगा, लेकिन आप देखेंगे 5 से 10 मिनट में ये एकदम घट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दाल गोश्त कितना अच्छा और खाने में भी बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था। आप ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मेथड से आप दाल गोश्त बनाइए, आप एक बार बनाएंगे बार बार आप बनाएंगे। और साथ में मैंने जैसे राइस बनाया है ज़ीरा राइस, वो तो बहुत ज़रूरी है दाल गोश्त के साथ, उसके साथ दाल गोश्त का टेस्ट डबल हो जाता है। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये डिलीशियस रेसिपी और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपका दाल गोश्त कैसा बना था। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय एवरीवन।